अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू FS व्लॉग्स ऑफिशियल। आज की वीडियो में हम जाएंगे लोकल फूड स्ट्रीट पे और वहाँ पे देखेंगे कि हमें 500 में जंबो लिंगर मिल सकता है, क्योंकि आज मेरा दिल चाह रहा है कि लिंगर खाना है और लिंगर भी कुछ लार्ज साइज का लिंगर खाना है मुझे, जंबो लिंगर जो होता है डबल पेटी या डबल डेकर या कुछ भी। तो देखते हैं लोकल फूड स्ट्रीट पे हमें 500 में जंबो लिंगर मिल सकता है या नहीं मिल सकता, आज जाके देखेंगे। और कहाँ से मिलता है, मिलता भी है नहीं मिलता, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देर हो गई है, मुझे लग रहा है खुआरी ना हो जाए, बंद ना हो जाए, क्योंकि 12 हो गए हैं। हम देखते हैं खुले होते हैं या नहीं, ये तो सुनसान सर्दियों में बिल्कुल। और हमारे साथ सिराज साहब भी आए हैं, लेकिन थोड़ा सा उन मसला ये है, तो सिराज के साथ मसला ये है कि सिराज के ना कीड़ा लग गया था दांत में। तो अरे क्या आइसक्रीम खा रहे हो, प्याला लेके आयो? तो ये खा नहीं सक रहा था, तो अभी डॉक्टर के पास से आया है, तो डॉक्टर ने इसको मना किया है, शायद आइसक्रीम का बोला है तभी ये खा रहा है। तो हम आ गए लतियाबाद की फूड स्ट्रीट पे, और ये 11 नंबर की फूड स्ट्रीट है लतियाबाद 11 नंबर की, और जाके देखते हैं यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 बर्गर वाले हैं। अरे कहना क्या चाहते हो, सामने भी है और यहाँ पे भी है, तो देखते हैं इनके पास। ये है नेचुरल मिस्टर ब्रोस्ट। अच्छा, देखो लिंगर है, कौन कौन से लिंगर है? तो मीडियम है, लार्ज है, जम्बू है। एक जम्बू काट दे गाड़ी में दीजिएगा, लेकिन उसमें वो गोभी वगैरह नहीं डालिएगा, ठीक है? और अब वहां पे भी जाते हैं, ये है किंग ब्रोस्ट वाला, इसके पास भी जाएंगे, दोनों की ट्राई करते हैं आज हम। अस्सलाम वालेकुम, एक जम्बू बर्गर कर दें यहीं पे, गाड़ी में दे दें। इनके पास और भी चीज़ें हैं, बारबेक्यू वगैरह, और यहाँ पे भी हैं सैंडविच वगैरह भी ये बनाते हैं, देखें काफ़ी अच्छे सैंडविच होते हैं यहाँ के, लेकिन हम आज बर्गर खाने आए हैं, तो हम बर्गर ट्राई करेंगे, किसी दिन सैंडविच भी करेंगे ट्राई आके। तो आज हम कंपेयर करेंगे किंग ब्रोस्ट वालों को नेचुरल ब्रोस्ट वालों से। दोनों के मैंने जंबो बर्गर ऑर्डर किए हैं, अब दोनों के बर्गर बन के आए, तो देखेंगे किसका अच्छा बर्गर है। ये बर्गर से इनके, ये ब्रोस्ट वगैरह और बर्गर के पीसेस जो है, पेटी वगैरह। आज मैंने सोचा क्यों ना खाते तो हैं, कंपेयर करें और पता चले कि किस रेस्टोरेंट का कितनी प्राइस में कितना अच्छा मिल सकता है हमें। तो दोनों की प्राइस मेरे हिसाब से तो एक जितनी ही होंगी, मजीद आए तो हमें पता चलेगा, बाकी देखते हैं इनका टेस्ट कैसा है। ये जो किंग ब्रोस्ट मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये ज़्यादा ओल्ड है और ये अभी खुला है, तो नेशनल ब्रोस वाला, तो देखते हैं दोनों का बर्गर आए तो फिर देखते हैं किसका। भाई ये इनका है, आज होने जा रहा है भाई मुकाबला, कर रहे हैं आज हम आपका न्यूट्रल ब्रोस्ट वालों से, अब देखते हैं कौन जीतता है। किससे? सामने है ना ये ब्रोस्ट वाले जो है, मिस्टर ब्रोस्ट वाला, देखते हैं भाई किसका ज्यादा अच्छा बनता है। हमें 16 साल हो गए, उसको 3 साल हुआ। अब वही मैं कह रहा हूँ, आप पुराने, लेकिन देखते हैं नए भी खुलते हैं वो ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, कभी कभार ट्राई करके देखते हैं। न्यूट्रल करेंगे बिल्कुल, मुझे पैसे नहीं दिए, नहीं आपने दिए, नहीं उन्होंने दिए, हम न्यूट्रल अपना देंगे रिव्यू। आ जाओ भाई, ये बर्गर है जंबो बर्गर। सॉसेज में भाई मिला देते हैं बर्गर को, रहा नहीं जाता। तो भाई ये देखें, अब ये जो है मिस्टर ब्रोस्ट वाले का है, और ये किंग ब्रोस्ट वाले का है, और ये जो किंग ब्रोस्ट वाला है ये 13 साल पुराना है, और ये सिर्फ 3 साल पुराना है,
और उसकी जो रेस्टोरेंट वगैरह है वो भी बड़ा बना हुआ है, और इसका जो है मिस्टर बर्गर वाले का सिर्फ ढाबे टाइप पे बना हुआ है। लेकिन जो प्रेजेंटेशन वाइज है और लुक वाइज जो है वो क्लियर विनर जो है वो है मिस्टर ब्रोस्ट, ये वाला। जो न्यू है और ये है किंग ब्रोस का, और मैंने अपने लिए किंग ब्रोस का मंगाया है, और ये लाइबा साहिबा के लिए जो है मिस्टर ब्रोस का मंगाया है। और टेस्ट में देखते हैं, लुक वाइज तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है किंग ब्रोस वाला जो है। इसमें देखें ना, ये इसने टावर बनाया हुआ है बर्गर का, फ्राइज वगैरह, और ये निला दिया है इसने सॉसेस वगैरह से, और बहुत टेस्टी लग रहा है दिखने में। अब टेस्ट भले कैसा भी हो, टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा। और सेम साइड पे इसको अगर देखें तो ये लुक वाइज को इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं लग रहा अगर हम कंपेयर करें इसको मिस्टर ब्रोस वाले से। और इसके फ्राइज भी जो हैं सही हैं, बस उसके फ्राइज भी थोड़े अच्छे लग रहे हैं, और उसने मसाला डाल के फ्राइज दिए हैं। और किंग ब्रोस वाले ने जो है सिंपल फ्राइज ऐसे ही बस देखे और जान छुड़ाई है, लेकिन टेस्ट वाइज अब पता चलना चाहिए। दूसरी बात मैंने जो नोट की है वो ये है कि इसमें जो ब्रोस्ट है वो सिंगल पेटी है, और ये जो है मिस्टर ब्रोस वाला इसमें डबल पेटी है। अब इश्यू यहाँ पे ये है कि मिस्टर ब्रोस वालों ने ना थोड़ा दिमाग लगाया है, ये इसमें भी सिंगल पेटी, लेकिन मैंने आपको दिखाया था तो उसने एक पेटी को हाफ करके ऊपर नीचे रख दिया तो ये डबल हो गई। और किंग ब्रोस वाले ने ऐसा नहीं किया, एक पेटी को एक ही उसने रखा है, काट के जो है जुगाड़ नहीं किया, दे दिया उसने, बोला देखे तो वही दो। उसने थोड़ा जो है बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है मिस्टर ब्रोस वाले ने। अब टेस्ट वाइज जो है देखते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ, और प्राइस भी दोनों की बताता हूँ। तो भाई बातें तो हो गई बहुत, अब खा के टेस्ट वाइज पता चलेगा किसका अच्छा है किसका नहीं। देखने में तो बस वो जो भी अच्छा लग रहा है। अब भाई ये देखें, इसके बीच में नहीं बल्कि ये गलत बोला मैंने, इसके भी दोनों ऊपर नीचे जो है पीस डला हुआ है किंग ब्रोस वाले के पास भी, सिर्फ नीचे ही नहीं है, दिख नहीं रहा था, थोड़ा छोटा था बीच में छुप गया। तो अब बाइट लेते हैं इसका और पता चलेगा, फिर थोड़ा मसला है इनका बाइट लेना। तो भाई टेस्ट वाइज तो मुझे ये अच्छा लगा है, लेकिन उसका मैंने अभी बाइट नहीं लिया, उसका लेने के बाद मैं बताऊंगा ज़्यादा अच्छा कौन सा है। अभी फिलहाल मैंने ये खाया है तो ये मुझे अच्छा लगा है, अब उसका भी बाइट देके फिर आपको बताता हूँ। फ्राइज में गारंटी के साथ कह रहा हूँ किंग ब्रोस वाले के ज़्यादा अच्छे हैं मिस्टर ब्रोस वाले के मुकाबले। भाई अब इसका बाइट लेते हैं, जो कि मुझे मुमकिन नहीं लग रहा इसका बाइट लेना, एक चैलेंज है बहुत बड़ा, और इस पे चैलेंज भी मैं रखूंगा कभी ना कभी, क्योंकि ये बहुत मुश्किल लग रहा है, लड़ना पड़ेगा इसके साथ। अबे साले, हाँ भाई अब आपका भाई आपको देगा बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू, वो ऑनेस्ट रिव्यू खाने के बाद आराम से अब मैं खा लूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, मैंने फैसला कर लिया है बिल्कुल फाइनल एंड फुल एंड फाइनल। तो अब खा के फिर आपसे बात करता हूँ मिस्टर ब्रोस वाले से। लेकिन एक्चुअली उसमें ज़्यादा क्वान्टिटी है चिकन की भी, और खाने में भी ज़्यादा हैवी है वो, और लाइबा भी बहुत चिरी हुई है, वो कह रही है तो मेरे साथ उन्होंने मजाक कर दिया है, और लाइबा के साथ एक हिसाब से प्रिंक कर लिया है मिस्टर ब्रोस वालों ने, और वो बहुत चिर रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉसेज उसने डाल दी थी, मैंने आपको दिखाया भी था, तो सॉसेज इसमें ले बह रही थी, तो हाथ में भी नहीं आ रहा, स्लिप हो रहा है। और लाइबा का रिव्यू लेते हैं। लाइबा साहब आपको कैसा लगा बर्गर? बेकार बर्गर है। तो बर्गर खाने एक बाइट दो टिश्यू पेपर से मुंह साफ, एक बाइट दो हाथ साफ करो, सारा मुंह खराब कर दिया, और ऊपर से सिर्फ क्रिस्प है, चिकन तो है ही नहीं, खाली क्रिस्प ऐसे तो नहीं होता है। ये तो है, मैंने भी बाइट लिया था, ये बात सही कह रही है, जुलम है ये तो। मुंह सारा खराब हो रहा है लाइबा का, सिर्फ मुंह ही साफ कर रही है। और दूसरी जगह अगर हम देखे मेरा बर्गर, तो मैं अभी तक जी जान से लगा हुआ हूँ इस बर्गर को खत्म करने के लिए, कोशिश कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन ये बर्गर मुझसे खत्म नहीं हो रहा। और मैं शिराज को भी नहीं दे सकता क्योंकि बादल जो है वो अपना दान के एक्सप्रेशन करवा के आए, तो उस बादल साहब को भी नहीं दे सकता, वो बोल ही नहीं रहा है, बस उसको हमने फ्राइज मंगा के दे दिए, उसी में खुशी है। हरामी हो बेटा,
फ्राइज खा रहा है हा? क्या करवा के आया हो दान का? फ्राइज अच्छे? हाँ देखो, पहले ये कह रहा था कि मिस्टर ब्रोस के फ्राइज खाऊंगा, इसके मुझे अच्छी नहीं लग रहे किंग वाले के, लेकिन मैंने इन दोनों की जिद के बावजूद जो है किंग वाले से बर्गर भी मंगाया, तो फिर मैंने फ्राइज भी खाए, तो फ्राइज भी मैंने बोला कि भाई अब तुम्हारे आगे दोनों मिस्टर ब्रोस्ट और किंग ब्रोस्ट वाला, तो फिर इसने बोला भाई ठीक है चलो मैं किंग से ही मंगा रहा हूँ, अब उसने मंगाए तो उसको अच्छे लगे, और इसने अभी आइसक्रीम खाई है, अब ये फ्राइज खा रहा है गरम गरम, एहतियात अभी भी नहीं कर रहा, हालांकि अभी अभी ये डॉक्टर के पास से आया और ये बर्गर भी नहीं खा सकता अभी, इसको तकलीफ हो रही है दांत में। तो भाई बर्गर वगैरह हमने खा लिया है और अब इनको बिल वगैरह देते हैं, देखते हैं कितना बिल हुआ है, तो बिल देखिए और फिर बताता हूँ आपको मैं। तो घर आ गए हम और अब आती है रिव्यू की बारी। तो रिव्यू में जो किंग ब्रोस्ट वाला था उसका बर्गर जो है काफी ज्यादा बेहतर था, टेस्ट वाइज लुक वाइज जो है मिस्टर ब्रोस्ट वाले का अच्छा था, लेकिन जब खाने की बारी है और हमने जब टेस्ट किया तो किंग ब्रोस्ट का भाई बहुत ज्यादा अच्छा था एज कम्पेयर टू मिस्टर ब्रोस्ट वाले से। मिस्टर ब्रोस्ट वाले ने जो है थोड़ा फ्रॉड किया है, मतलब चालाकी की है और वो सही नहीं है, क्योंकि वो जो चीज दे रहे हैं वो दे रहे हैं जंबो बर्गर, उसमें बोलते हैं हम डबल पेटी रख के देते हैं, तो मेरे सामने ही वो बन रहा था तो मैंने देखा, तो वो सिंगल पेटी को हाफ हाफ करके और एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं और बीच में जो है छोटी सी ब्रेड का एक पीस काट के वो रखते हैं ताकि वो ज़्यादा ऊंचा लगे, और फिर ऊपर से सॉसेज बस भर के और वो जंबो करके दे देते हैं, लेकिन होता जंबो नहीं है वो। जबकि किंग ब्रोस्ट वाला जो है वो ऐसा नहीं करता है, फुल पेटी रखता है और ऊपर से भी छोटी सी एक पेटी रख के वो जंबो ही करके देता है, और उसका टेस्ट वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और किंग ब्रोस्ट वाला जो है वो 16 ईयर्स से है, पुराना है काफ़ी, और उसका रेस्टोरेंट भी कुछ बेहतर बना हुआ है एज कम्पेयर टू मिस्टर ब्रोस्ट वाले के। हैं तो दोनों ही फूड स्ट्रीट पे लोकल टाइप पे बने हुए हैं, ओपन रेस्टोरेंट, और मिस्टर ब्रोस्ट वाला उसको 2-3 साल ही हुए हैं। और प्राइस की अब बात करें तो 350 का जो है मिस्टर ब्रोस्ट वाले का है और 340 का किंग ब्रोस्ट वाले का है, 10 रुपये सस्ता भी है और अच्छा भी है काफ़ी ज़्यादा। और उसके फ्राइज भी बहुत अच्छे थे किंग ब्रोस्ट वाले के, मिस्टर ब्रोस्ट वाले के फ्राइज भी बिल्कुल अच्छे नहीं थे, और जो क्रिस्प था मिस्टर ब्रोस्ट वाले के बर्गर का वो बहुत ज़्यादा था और बहुत अच्छा था, लेकिन सिर्फ क्रिस्प ही था, उसके अंदर कोई चिकन वगैरह भी नहीं थी, लग रहा था बस क्रिस्प ही उठा के दे दिया है, ऐसा था उसकी जो पेटी थी बर्गर की, लिंगर पेटी। बाकी किंग ब्रोस्ट वाला जो है उसका बहुत अच्छा पेटी थी, क्रिस्प भी थोड़ा कम था मिस्टर ब्रोस्ट वाले के मुकाबले, लेकिन बहुत अच्छा था और चिकन था फुल, जैसे होता है मेरीनेट हुआ हुआ लिंगर पेटी वैसे ही थी, और डबल पेटी थी, और टेस्ट वाइज सॉसेज वाइज फ्राइज हर चीज़ ज़्यादा बेहतर थी किंग ब्रोस्ट वाले की, सिर्फ लुक वाइज अच्छा था मिस्टर ब्रोस्ट का। तो मैं यही कहूँगा मिस्टर ब्रोस्ट वाले ने जो है स्कैम किया है, सिर्फ बोलने का है, बाकी है ऐसा कुछ नहीं। और क्वांटिटी वाइज बात करें हम तो क्वांटिटी जो है काफ़ी थी, मतलब एक बंदा आराम से फुल पेट भर के खा सकता है, मैं भी पूरा नहीं खा सका किंग ब्रोस्ट वालों का, थोड़ा सा बच गया और लावा ने तो छोड़ ही दिया, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मज़ा नहीं आया, उसका मुंह भी खराब हो गया था, कह रहे थे ये क्या है, इसने बस मायोनीज वगैरह भर के दे दिए और बाकी तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्रिस्प क्रिस्प है, चिकन तो है ही नहीं उसके अंदर। तो क्वांटिटी वाइज भी बहुत अच्छा था और काफ़ी बड़ा बर्गर था, मुझसे भी पूरा नहीं खाया गया। ये लतीफाबाद यूनिट नंबर 11 में है और दोनों बराबर में ही हैं बिल्कुल। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू, आपको कैसा लगा देख के, और आप भी जाएं ट्राई करें और फिर बताएं कि आपको कौन सा अच्छा लगा। थोड़ी न्यू वीडियो लेके आया आज हम आपके लिए, कंपेरिजन वीडियो होटल्स के हवाले से, आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर सब्सक्राइब लाइक FS Vlogs Official। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।